Hello, welcome to Enlivening India. Today we discuss questions of medieval history asked in SSC CGL examination. दोस्तों आज हम medieval history के questions discuss करेंगे. देखते हैं हमारा पहला question, who was the author of किताबुल हिंद. तो दोस्तों किताबुल हिंद के writer options दिए हैं अबू साद, अबुल फजल, फिरदौसी और अल बैरूनी. दोस्तों अबुल फजल जो थे वो अकबर के पीरियड पे थे, फिरदौसी जो थे वो बाबर के पीरियड पे थे, और अल बैरूनी जो थे वो महमूद ऑफ गजनी के पीरियड के थे. दोस्तों अब अल बैरूनी जो थे वो ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे मेडिविल इस्लामिक इरा के, और इनका बर्थ उज़्बेकिस्तान में हुआ था, और इनने किताबुल हिंद बुक लिखी. आप ये देख सकते हैं सही आंसर है अल बैरूनी. हु इज़ नोन एज द स्लेव ऑफ द स्लेव. स्लेव ऑफ द स्लेव किसे कहा गया है? तो दोस्तों गुलाम वंश जब आप पढ़ेंगे या स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था एज ए स्लेव, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतुमिश को ख़रीदा था. तो दोस्तों स्लेव ऑफ द स्लेव हो गए हमारे इतुतमिश. विच सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो. दोस्तों इनमें से कौन से शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, घियासुद्दीन बलबन, शमशुद्दीन इतुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद. तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेल रहे थे तो घोड़े से गिरने से उनकी मौत हो गई थी. द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्टनेट डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय. दोस्तों सबसे बड़ी पेड आर्मी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी. दोस्तों क्या मुख्य कारण था महमूद ऑफ गजनी का भारत में इतने बार आक्रमण करना और इन्वेड करना भारत को? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं टू डिस्ट्रॉय आइडोलेट्री, मतलब मूर्तियों को ख़त्म करना, टू गेन पोजेशंस ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, जितने भी भारत की सब मतलब जितनी भी वेल्थ है उसको गेन करना. तीसरा ऑप्शन है टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम को फैलाना, और टू स्टैब्लिश मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना. तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि महमूद ऑफ गजनी ने अटैक सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया था, वेल्थ के लिए किया था. वो चाहता था कि जितनी भी वेल्थ है इंडिया की वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में वो बाहर ले जा सके, अपने साथ लूट सके देश को हमारे. तो इसका सही आंसर है टू गेन पोजेशंस ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया. हु इज़ ऑथर ऑफ शाहनामा. दोस्तों शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, ये एक पर्शियन पोएट थे, और दोस्तों शाहनामा एक एपिक पोयम है जो कि बारबर के समकालीन ये लिखी गई है. और दोस्तों शाहनामा में प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ ईरान के बारे में बताया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज फिरदौसी. द बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट टू मार्क द कॉन्क्वेस्ट ऑफ. दोस्तों बुलंद दरवाज़ा क्यों किसकी जीत की खुशी में बनवाया गया था? तो ऑप्शंस हैं अवध, बी मालवा, सी गुजरात और डी चित्तौर. तो दोस्तों बुलंद दरवाज़े का मतलब होता है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस भी इसे कहा जाता है. दोस्तों इसे 1601 AD में अकबर ने बनवाया था टू कॉमोमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात. गुजरात में वो जो जीत हासिल हुई थी गुजरात के अगेंस्ट में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके यादगार के तौर पे अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था. दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है वो 43 किलोमीटर दूर था आगरा से. सो आप ये देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में लाई करता है, और ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात के पे बनाया गया था. हु अमंग द फॉलोइंग इज अकबर्स टीचर्स. इनमें से किसे अकबर का टीचर माना गया है? ए कबीर, बी बैरम खां, सी अबुल फजल
और डी अब्दुल लतीफ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर अब्दुल लतीफ़ है। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। बैरम खान, दोस्तों बैरम खान जो थे वो अकबर के रीजेंट थे, तो उनके टीचर अब्दुल लतीफ़ हुआ करते थे। तुलसीदास कंपोज्ड रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कौन से राजा के काल में की थी? तो ऑप्शन है हर्ष बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, कृष्णा देवराया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समकालीन की थी। व्हाट वॉज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुगल्स? दोस्तों इसमें से कौन सा सिस्टम मुगल्स द्वारा डेवलप किया गया था? तो ए सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी, बी रयौतवारी सेटलमेंट, सी मनसबदारी सिस्टम और डी लोकल बॉडीज फॉर क्राइम एंड डिटेक्शन। तो दोस्तों इसमें से मनसबदारी सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था मुगल द्वारा। दोस्तों ये अकबर ने स्टार्ट किया था 1571 AD में। दोस्तों मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। दोस्तों जिसकी जैसी दोस्तों ये इसलिए किया गया था ताकि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस उनकी रैंक की पोजीशन के अकॉर्डिंग फिक्स की जा सके। सो द करेक्ट आंसर इज मनसबदारी सिस्टम। पुराना किला इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। दोस्तों पुराना किला किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां। तो दोस्तों पुराना किला जो है वो ओल्डेस्ट फोर्ट है दिल्ली का, और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था जो कि सुर डायनेस्टी के थे। तो आप ये देख सकते हैं पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया हुआ है ये। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? तो इनमें से ऑप्शन है शाह आलम टू, अकबर टू, सी बहादुर शाह टू और अहमद शाह। तो दोस्तों लास्ट मुगल एम्परर हमारे बहादुर शाह टू थे, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा गया है, और 7 नवंबर 1962 में इनकी मौत हो गई थी 87 ईयर्स में बर्मा रंगून में। और ये हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू। हु वॉज द लास्ट मुगल टू सिट ऑन अ पीकॉक थ्रोन? दोस्तों इनमें से कौन सा मुगल एम्परर जो है वो लास्ट था जो कि पीकॉक थ्रोन में बैठा, मतलब जो मोर वाली गद्दी थी एकदम जिसमें हमारा कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उस पे कौन लास्ट एम्परर था जो बैठा? तो ऑप्शंस हैं जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम वन, बहादुर शाह जफर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है मोहम्मद शाह। अब्दुल हामिद लाहौरी इज़ द ऑथर ऑफ। तो दोस्तों अब्दुल हामिद लाहौरी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है? तो मुंतखाब उल तवारिख, बादशाह नामा, आलमगीर नामा, मुंतखाब उल लुबाब। तो दोस्तों इसमें से अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखी है जो कि क्रॉनिकल ऑफ द एम्परर भी इसे कहा जाता था। दोस्तों ये शाहजहां के टाइम पे अब्दुल हामिद लाहौरी बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे उनके पीरियड में। तो पातशाह नामा लिखी अब्दुल हामिद लाहौरी ने। द सिख गुरु हु कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब वॉज। तो दोस्तों इनमें से गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन वर्क कौन से गुरु ने किया है? तो ऑप्शन ए हैं गुरु नानक, बी गुरु हर राय, सी गुरु अर्जन देव और डी गुरु रामदास। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन किया है। सो द ऑप्शन इज गुरु अर्जन देव। अकबर मौसेलम इज सिचुएटेड एट। दोस्तों अकबर की कब्र कहाँ पे, अकबर की टूम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ए सासाराम, दोस्तों सासाराम बिहार में है। बी सिकंदरा, सिकंदरा दोस्तों आगरा में लोकेटेड है, ये सिकंदर लोधी के नाम से ये शहर का नाम पड़ा था सिकंदरा। सी आगरा और डी दिल्ली। तो दोस्तों अकबर की जो टूम्ब है वो सिकंदरा में प्रेजेंट है, आप ये देख सकते हैं सिकंदरा में जो अकबर की टूम्ब है। उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। दोस्तों उपनिषद्स का ट्रांसलेशन पर्शियन में फारसी भाषा में किसने किया? तो ऑप्शंस हैं अकबर, बी दारा सिक्को,
सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो दोस्तों उपनिषद्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन दारा शिक्को ने किया था। दोस्तों दारा शिक्को जो थे वो जहांगीर के बेटे थे और औरंगज़ेब के भाई हुआ करते थे, और इनके इन नोबल्स कामों के लिए औरंगज़ेब ने इन्हें मरवा दिया था। अकबर स्टैब्लिश्ड इबादत खाना एट, ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इबादत खाना को हाउस ऑफ वर्शिप भी कहा गया है, जो 1575 CE में अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और दोस्तों यहाँ पे सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो अलग अलग धर्म से संबंधित रखते हैं, वो यहाँ पे आके स्पिरिचुअल रिलीजियस टीचिंग्स को डिस्कस कर सकते थे इबादत खाना में। तो दोस्तों इबादत खाना बनाया गया फतेहपुर सीकरी में, आप ये देख सकते हैं इबादत खाना जो अकबर द्वारा बनवाया गया था। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड वॉज, तो ऑप्शन है मेगस्थनीज, सी बी युआंग च्वांग, सी फाहायन एंड डी निकोलो कॉन्टी। तो दोस्तों एक फॉरेन ट्रैवलर जो विजयनगर पीरियड में, मतलब जो कृष्णदेवराय का पीरियड था, उस पीरियड में ये ट्रैवलर यहाँ इंडिया आए, ये थे निकोलो कॉन्टी। दोस्तों ये इटालियन ट्रैवलर थे जो 1555 में विजयनगर में आए थे, आप ये देख सकते हैं निकोलो कॉन्टी की पिक्चर। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, दोस्तों हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए है हुमायूं, बी मिर्ज़ा कमरान, सी बैरम खान और डी गुलबदन बेगम। तो दोस्तों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि हुमायूं की बहन हुआ करती थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ गुलबदन बेगम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू टाउन वेयर द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा स्टैंड्स, तो दोस्तों आगरा को किस रूलर ने इस्टेब्लिश किया था, तो ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी शाहजहां और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों आगरा को डेवलप किया था सिकंदर लोदी ने। हुमायूं रिस्टोर्ड हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ द रूलर्स ऑफ, दोस्तों हुमायूं ने अपना खोया हुआ राज्य किसकी मदद से वापस लिया था, तो ऑप्शंस हैं ए अरेबिया, बी पर्शिया, सी काबुल और डी टर्की। तो दोस्तों पर्शिया के राजाओं के साथ मिलके हुमायूं ने अपना अपनी बची, मतलब जो भी उसकी हुकूमत चली गई थी भारत में, उसको वापस पाया, तो आंसर है पर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड द बीबी का मकबरा, तो दोस्तों इनमें से बीबी का मकबरा किस राजा द्वारा बनवाया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो दोस्तों बीबी का मकबरा को टूम्ब ऑफ द लेडी भी कहा जाता है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये बनवाया था औरंगज़ेब ने उनकी वाइफ के लिए, उनकी उनको डेडिकेटेड है, उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, जिनका नाम था दिलराज बानो बेगम। 1660 में इसे बनवाया गया औरंगज़ेब द्वारा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ताजमहल के आइडेंटिकल आप ये देख सकते हैं बीबी का मकबरा बनवाया था। शंकराचार्य वॉज मेनली आ, दोस्तों शंकराचार्य कौन सा सेक्ट फॉलो करते थे, वो शैव थे, मतलब जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, बी वैष्णव जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सी शाक थे या सुबो पसाका थे। तो दोस्तों शंकराचार्य एक बहुत ही महान संत हैं, आदि शंकराचार्य जो 8th century के फिलोसोफर और थियोलॉजियन माने गए हैं। इनने अद्वैत वेदांत की रचना की थी दोस्तों 788 CE में, और दोस्तों इनका जन्म 788 CE में कलाड़ी में हुआ था, और ये इनकी डेथ 820 CE में केदारनाथ में हुई, और दोस्तों ये 32 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। तो आप ये देख सकते हैं शैव आदि शंकराचार्य सेक्ट फॉलो करते थे। इंडियन लिटरेरी वर्क्स दरबारे अकबरी वॉज रिटन बाय, दोस्तों ये दरबारे अकबरी किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो मोहम्मद हुसैन, बी मलिक मोहम्मद जयासी,
सी अबुल फजल और डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों दरबार अकबरी लिखा है मोहम्मद हुसैन द्वारा। बाबर वॉज बॉर्न इन, दोस्तों बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था जो कि उज़्बेकिस्तान में सिचुएटेड है। 14 फरवरी 1483 CE में ये बॉर्न हुए थे फरगाना में। बंदा बहादुर अ सिख लीडर हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। दोस्तों बंदा बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद पकड़ा गया और उनको मार दिया गया। तो दोस्तों ये कौन से मुगल शासक के राज्य में ये ऐसा हुआ? तो ऑप्शंस हैं बहादुर शाह, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी फारूक सियार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फारूक सियार। फारूक सियार के टाइम पे बंदा बहादुर को मार दिया गया था। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तलीकोटा और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों अकबर ने हेमू को हराया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हरियाणा में एक सिचुएटेड है। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज़? दोस्तों फारसी त्यौहार है नौरोज़, इसको कौन से शासक ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश, सी बलबन और डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों बलबन ऐसा शासक था जिसने नौरोज का त्यौहार चालू किया था भारत में। दिल्ली सल्तनत रीच इट्स मैक्सिमम जियो ज्योग्राफिकल लिमिट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत अपने मैक्सिमम जियो ज्योग्राफिकल लिमिट्स पे पहुंच गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन द, दोस्तों पहली बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? तो 1192 AD, 1193 AD, 1194 AD और 1191 AD। तो दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी वो हुई थी थानेसर तराइन के, तराइन में, और जो कि प्रेजेंट डेट में थानेसर हरियाणा में लाई करता है। और 1191 में हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। महमूद गजनी अटैक्ट सोमनाथ टेम्पल हाउ मेनी टाइम्स? दोस्तों महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर कितने बार आक्रमण किया? तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन है 12, 15, 17, 19। तो दोस्तों 17 टाइम्स उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटने के लिए उस पर अटैक किया। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन हुम? दोस्तों बैटल ऑफ तराइन कौन दो रूलर्स के बीच में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान एंड महमूद गजनी, पृथ्वीराज चौहान एंड महमूद गौर मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान एंड हेमू एंड पृथ्वीराज चौहान एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में, बैटल ऑफ तराइन 1191 AD एंड 1192 AD में। तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। कुवात उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाय विच रूलर? दोस्तों कुवात उल इस्लाम मस्जिद जो है वो किस शासक द्वारा बनवाई गई है? तो दोस्तों कुवात उल इस्लाम 1193 AD में बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, क्योंकि वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहता था कि जो उसने राजपूतों के ऊपर विक्ट्री की थी। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चहलगनी अंडर इतुमिश रिप्रेजेंटेड हिस्स? दोस्तों चहलगनी एक सिस्टम होता था जिसमें 40 नोबल्स जो थे वो सुल्तान पे अपना सुल्तान पे रूल बता सकते थे, सुल्तान को फोर्स कर सकते थे कि वो ऐसे डिसीजंस ले। तो इसका सही आंसर है हिस टर्किश स्लेव्स। विच रूलर इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स ऑफ सिजदा एंड पैबोस? दोस्तों कौन सा फारसी फारसी कस्ट कौन सा ऐसा शासक था जिसने ये फारसी
कस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, सिजदा मतलब सर झुका के राजा के सामने अपने सारे लोगों के सर झुके होने चाहिए। और पैबोस दोस्तों एक ऐसा कस्टम होता है जिसमें हर किसी को, चाहे वो नोबल वर्ग का हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल वर्ग का हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, उसको राजा के पैर चूमने होते थे। तो ये कौन से राजा ने ये चालू किया था ये कस्टम? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी बलबन। तो दोस्तों ये बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा एंड पैबोस। द रूल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, दोस्तों स्लेव डायनेस्टी कितने से कितने टाइम पीरियड के लिए रही? तो दोस्तों स्लेव डायनेस्टी आप देखेंगे 1206 से 1284 CE स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी ने राज्य किया। सो द करेक्ट आंसर इज 1206 टू 1284 CE। विच रूलर स्टार्टेड सिल्वर कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? दोस्तों इनमें से कौन से रूलर ने पहली बार सिल्वर कॉइन चालू किया? तो दोस्तों इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला राजा था जिसने सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया। अ सिस्टम ऑफ दाग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दोस्तों एक ये दग जो चालू किया था, दग दोस्तों एक सिस्टम था जिसमें घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी, घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि घोड़े एक्सचेंज ना हो आपस में दो राजाओं के बीच में। तो दोस्तों ये सिस्टम चालू करवाया था अलाउद्दीन खलजी ने। विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी अबॉलिश चहलगनी, दोस्तों इनमें से कौन से स्लेव डायनेस्टी के राजा ने चहलगनी को एबॉलिश कर दिया था? मतलब वो जो 40 नोबल्स राजा पे अपनी बात थोपते थे उसको इसने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो पीस एंड ऑर्डर चाहता है कंट्री में, तो वो चहलगनी के फैसले से सहमत नहीं है, वो अपना सेल्फ डिसीजन के हिसाब से रूल करेगा। तो दोस्तों ये राजा था बलबन, बलबन ने चहलगनी को एबॉलिश किया। अलाई दरवाज़ा इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, दोस्तों अलाई दरवाज़ा बनवाया 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे प्रेजेंटली अब कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। टांका एंड जित्तल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर इन इंडिया, दोस्तों टांका जो होता था वो सिल्वर कॉइन होता था और जित्तल जो है वो कॉपर कॉइन होता था। तो दोस्तों ये किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने ऐसा सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर जित्तल स्टार्ट किया था इंडिया में। हु वॉज़ द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी इन इंडिया, सईद डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों खिजर खान। सो द करेक्ट आंसर इज़ खिजर खान। आप ये देख सकते हैं बहलोल लोधी जो थे वो लोधी लोधी वंश के फाउंडर थे, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है खिजर खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।